नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1100 स्क्वायर फीट हाउस डिजाइन के बारे में। ये इसका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन है दोस्तों, इसको हमने फ्रंट एंड राइट साइड से डिजाइन किया है। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चर डिटेल, कॉलम का डिजाइन, बीम का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, फुटिंग का डिटेलिंग, लेआउट प्लान, सेंटर लाइन प्लान, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग, सभी चीजें देखेंगे। एक कंप्लीट पैकेज होता है जो ड्रॉइंग का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं फ्लोर प्लान की बात कर लूँ तो इसका फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से है। इसकी जो प्लॉट की विड्थ है यानी चौड़ाई जो है वो 22 फीट 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 49 फीट 2 इंच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एंड राइट साइड से इसमें रोड दिया गया था। यहाँ पर आप फ्रंट में पार्किंग में इंटर करते हैं, यहाँ पर कार पार्किंग का हमने एरिया प्रोवाइड किया है। 11 बाय 16 फीट का हमने कार पार्किंग का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हमने एक 3 फीट की गैलरी भी दी है ताकि आप छोटे से फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे एक 3 फीट की गैलरी है। स्टेयरकेस भी हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में ही दी है, यू शेप में स्टेयरकेस प्रोवाइड की है दोस्तों। इसके बाद हम इंटर करते हैं ड्रॉइंग रूम में। तो ड्रॉइंग रूम का जो हमारा साइज है वो 10 बाय 14 फीट 3 इंचेस का है, तो काफी अच्छा साइज है। विड्थ कम है थोड़ा सा हमारे पास, इसीलिए हमने थोड़ा विड्थ कम रखा है ड्राइंग रूम का। इसके बाद हम लॉबी में एंटर करते हैं। लॉबी में हमारा जो साइज मिलेगा वो 4 फीट 5 इंच पर 8 फीट का। मैं हमेशा बात करता हूँ लॉबी की, तो लॉबी एरिया जरूर प्रोवाइड कीजिए। लॉबी मतलब जो सेंटर एरिया है जहाँ से आप सभी रूम में जा सकते हैं, तो लॉबी एरिया होने की वजह से आपका मकान का लुक काफी अच्छा आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो बेडरूम का साइज जो है वो 8 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का है। यहाँ पर मैं पूजा रूम बताना भूल गया आपको, यहाँ पर पूजा रूम भी हमने प्रोवाइड किया है। 4 फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट का आपको एक छोटा सा पूजा रूम मिल जाएगा। इसके बाद आपको पीछे में एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा जिसका साइज है 10 बाय 12 फीट का। यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम हमने प्रोवाइड किया है 3 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट का, यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। इसके बाद राइट साइड में आपको किचन मिल जाएगा। किचन का जो हमारा साइज रहेगा वो 8 फीट 6 इंचेस बाय 10 फीट का है दोस्तों। यहाँ पर आप किचन का साइज देख सकते हैं, 8 फीट 6 इंचेस बाय 10 फीट है। बैक साइड में 3 फीट 6 इंचेस का यूटिलिटी एरिया प्रोवाइड किया है और राइट साइड से 2 फीट की हमने गैलरी प्रोवाइड की है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप बर्तन वगैरह धोना चाहते हैं तो पीछे में हमारे पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है। अब हम देखेंगे इसका कॉलम का डिजाइन। कॉलम का डिजाइन कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बीम का डिजाइन, तो बीम का डिजाइन कुछ इस तरह से है। इसका प्लेन बीम का डिजाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लेन बीम का डिजाइन है इसका। यहाँ पर सेंटर लाइन प्लान कुछ इस तरह से है। इसके बाद अगर मैं फुटिंग की डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फुटिंग का डिटेलिंग कुछ इस तरह से है। इसके बाद अगर मैं फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम की बात करूँ यानी रूफ स्लैब बीम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्लैब का और बीम का डिजाइन मिल जाएगा। यहाँ पर SB1, SB2, SB3 मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग बीम के साइज दिए गए हैं। वहीं अगर S1 और S2 की बात करूँ तो कुछ स्लैब आपका 1 वे है, कुछ 2 वे स्लैब है। तो इस तरह से आप स्लैब का डिजाइन मिलेगा आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग की, तो इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब हमारा स्विच बोर्ड कहाँ होना चाहिए, फैन का पॉइंट कहाँ होना चाहिए, लाइट कहाँ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग तैयार की गई थी। अब इसके एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एलिवेशन दिखाया था, ये कुछ एलिवेशन है। यहाँ पे सिंपल साधारण एलिवेशन तैयार किया था एक ग्राउंड फ्लोर के डिजाइन के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वॉल टाइल भी लगाई है एक्सटीरियर व्यू के लिए, तो ये टाइल काफी अच्छी हो जाती है। इसके बीच में अगर आप थोड़ा लाइटिंग वगैरह सेटअप करते हैं तो और भी लुक एनहांस होगा इसका। वही अगर सामने में देखें हम तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल में थोड़ा डिजाइन बनाया है और राइट साइड में भी बाउंड्री वॉल में डिजाइन है। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडरूम का डिजाइन है, यहाँ पर ग्लास प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो ये था हमारा 1100 स्क्वायर फीट का एक कम्प्लीट डिजाइन सेट। अगर आप भी हमारी कंपनी से इस तरह का कम्प्लीट ड्रॉइंग सेट लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ड्रॉइंग में कुछ चेंजेस वगैरह करना रहता है तो उसका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं रहता है, हम ड्रॉइंग वगैरह में चेंजेस करा के देते हैं आपको और काफी रिजनेबल प्राइस में एक कंप्लीट पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।